अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दिस इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हमारा पूरा बेस बना रहा है किसके लिए कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के लिए एंड मर्जर एंड एक्विजिशन और फ्यूचर ऑप्शन में भी आपने देखा होगा इसके कॉन्सेप्ट की क्या थी जरूरत थी हमें ठीक है तो देखिए सर दिस इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले इसका नाम डिविडेंड पॉलिसी था और अब इसका नाम क्या हो गया सिक्योरिटी वैल्युएशन तो देखिए सर दिस इज योर इंट्रोडक्शन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो क्या था दिस इज यू हैव टू डिड द टोटल अर्निंग्स इन टू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंट तो टोटल अर्निंग को डिवाइड करना था रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंट तो टोटल अर्निंग का मतलब क्या था यहाँ पर दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है so, तो टोटल अर्निंग का मतलब है दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वी हैव इनकम स्टेटमेंट

क्वटी शोल्डर दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी और अब उसमें से इक्विटी डिविडेंट देंगे तो क्या निकल के आएगा दिस इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड योर रिटेन अर्निंग्स ठीक है तो वी हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंट नाउ वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंट पॉलिसी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी उसके अलावा वहां पर आपके थ्योरी में भी आपको कवर मिलेगा वहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिडेंट पॉलिसी वी हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को क्या कर रहे हैं इफेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आज के टाइम में कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो रिटेन करना चाहेगा या डिविडेंट पे आउट करेगा रिटेन करना चाहेगा लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या है कि वहां पर आपका एज पर बोनस एक्ट एज पर ग्रेचुटी एक्ट जब तक आप वहां पर एम्प्लॉइज को नहीं पे आउट कर सकते तो उससे पहले आप डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते तो वी हैव सम लीगल कॉन्स्टेंट तो उस केस में मैं क्या करके चलूंगा रिटेंशन करके चलूंगा तो वी हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपके डिविडेंट पॉलिसी को क्या कर रहे हैं इफेक्ट कर रहे हैं ऑनरशिप कंट्रोल अगर मैं ऑनरशिप कंट्रोल मेंटेन करना चाहता हूं तो उस केस में मैं क्या करूंगा सर मैं वहां पर क्या करके चलूंगा देख लीजिए मैं वहां पर पे आउट करूंगा या रिटेन करके चलूंगा रिटेन करके चलूंगा क्यों कल को पैसे की जरूरत होगी तो आपको नई इक्विटी इश्यू नहीं करनी पड़ेगी आप रिटेन अर्निंग्स को क्या कर पाएंगे यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक है फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर ऑलवेज क्योंकि कंपनी किसकी है देख लीजिए मेच्योरिटी शेयर होल्डर्स की तो फाइनल डिस्क्रिप्शन किसकी है मैनेजमेंट की है एंड वी हैव लिक्विड नीड्स लिक्विड नीड्स का क्या मतलब है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो मैं डिविडेंड पे आउट करूंगा या वहां पर देख लीजिए फंड्स को अपने पास रखूंगा हम रिटेंशन करके चलेंगे ठीक है

ठीक है तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के साथ ही ठीक है तो देखिए सर EPS, DPS, MPS and Earning per Share. तो यहां पे मैंने कुछ पहले डिस्कस की थी सबसे तो पहले रेशियो क्या है ईपीएस तो का मतलब क्या है अर्निंग पर शेयर तो अर्निंग किसकी है सर ये दिस इज फॉर इक्विटी शोल्डर्स तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिविडेंड किसको दे रहे हैं इक्विटी शोल्डर्स तो दिस इज टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नाउ द थर्ड वन दिस इज एमपीएस एमपीएस के लिए दो कॉन्सेप्ट थे द फर्स्ट वन इज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच एंड द सेकंड वन इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास क्या है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हाउ टू कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर अब कोई भी दो चीज आपके पास है थर्ड वन आप क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दूसरा अप्रोच आपके पास क्या था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या कह रहा है फ्रीली अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से क्या माइनस कर देंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग मैनेजमेंट होल्डिंग स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स गवर्नमेंट होल्डिंग माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएंगे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर एंड मल्टीप्लाई विद मार्केट प्राइस पर शेयर तो आपके पास क्या जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स दोनों से एमपीएस क्या आएगा सेम आएगा ठीक है लास्ट वन दिस इज रिटेन अर्निंग पर शेयर तो रिटेन अर्निंग पर शेयर क्या था कितना हम रिटेन करेंगे तो वी है टोटल अर्निंग रिटेन अर्डिंग एंड डिविडेंट तो ईपीएस में से क्या मैनेज कर देंगे डीपीएस तो so आपके पास क्या जाएगा रिटेन अर्निंग पर शेयर ना ओ द नेक्स्ट वन वी हैव थ्री मेन रेशियोज हमें आगे भी काम आई थी दिस इज इन योर फ्यूचर्स। तो सबसे पहले आपके पास था यील्ड का मतलब क्या रिटर्न अमाउंट इन्वेस्टेड और इन शेयर मार्केट एक्चुअल अपॉन एमपीएस ठीक है इन टू हंड्रेड करेंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज डिविडेंट नाउ द नेक्स्ट वन इज पे आउट और पे आउट कहां से होगा एंडिंग से तो दिस इज डीपीएस अपॉन से कितने रिटर्न आ रही है and is on कितना आप रिटेन करेंगे रिटर्न कहां से करेंगे पी से तो दिस इज रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई अग पर शेयर इंटू हंड्रेड दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन डीपीआर रेशियो तो वहां पर देख लीजिए वहां पर क्या रिलेशनशिप है दोनों का ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा 100% परसेंट और वन तो इफ रिटेंशन रेशियो इज सिक्स परसेंट तो पे आउट रेशियो कितनी हो जाएगी फोर्टी परसेंट ठीक है न होता नेक्स्ट वन वी है यहाँ पर डिस्कस की थी कैश डिविडन स्टॉक स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट ठीक है तो कैश डिविडेंड आपके पास क्या था देख लीजिए कि कंपनी वहां पर कैश में क्या करेगी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वहां पर तीन तरह से दे सकते हैं वी 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 हैव 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 रेगुलर रेगुलर स्पेशल एंड लिक्विडेटिंग जो रेगुलरली वो पे आउट कर रहे हैं दिस इज क्वार्टरली जो भी वो पे आउट कर रहे हैं स्पेशल का क्या मतलब था विनफॉल प्रॉफिट समझ पा रहे हैं प्रॉफिट से वो क्या कर रहे हैं कुछ वहां पर देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड एंड द लास्ट वन इज लिक्विडेटिंग एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो जो भी हम कैश में पे कर रहे हैं कैश का मतलब डीडी डिमांड ड्राफ्ट चेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर उसी वही मतलब है तो वो जो भी हम दे रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं कैश डिविडेंड्स अब वहां पर हमने देखा था तो वी हैव सम इंपैक्ट ऑन द रेशियोज तो बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट हो रहा था उधर आपका कैश रिड्यूस हो रहा था और उधर आपका क्या रिड्यूस हो रहा था रिजर्व एंड सरप्लस बट वहां पर देख लीजिए कैश पे करने से जो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज हैं करंट रेशियो किक रेशियो वो क्या हो रही थी एडवर्सली इफेक्ट हो रही थी दूसरी तरफ आपके पास जो आपकी डेप टू एसेट रेशियो थी तो डेप टू एसेट आपको किसको बता रहा है रिस्क को बता रहा है समझ लिवरेज को बता रहा है तो हमारा रिस्क क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था क्योंकि बिजनेस में वहां पर देख लीजिए डेप का पोर्शन बढ़ रहा था और डेप का पोर्शन बढ़ेगा तो रिस्क क्या होगा इंक्रीज होगा एंड अगेन डेप टू इक्विटी रेशियो वो भी क्या हो रही है इंक्रीज तो दोनों रेशियो एडवर्सली इफेक्ट हो रही है लिक्विडिटी रेशियो भी एडवर्सली क्या हो रही है इफेक्ट हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ कैश कैश डिविडेंड डिविडेंड तो प्रैक्टिकली आज के टाइम में में कोई कंपनी ज्यादा देने इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज उसकी लिक्विडी रेशियो उसकी डेप टू एसेट रेशियो उसका देख लीजिए लिवरेज रेशियो वहां पर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या हो रहा है एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव स्टॉक डिविडेंड और द बोनस और बोनस का क्या इंपैक्ट था हम वहां पर फ्री में क्या दे रहे हैं एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वहां पर आपके पास विदाउट एनी कंसिडरेशन हम उनको क्या दे रहे हैं फ्री में शेयर्स दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या था नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे थे इंक्रीज और उससे क्या हो रहा था जितनी भी पर शेयर एश्यूज हैं ईपीएस डीपीएस एमपीएस बुक वैल्यू पर शेयर ये सब क्या हो रहे थे फॉल उसके अलावा और कोई इंपैक्ट नहीं है ठीक है उ नेक्स्ट वन वी है सेम ग्राउंड अब वहां पर बोनस में क्या हो रहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ पार्ट कहां ट्रांसफर कर रहे थे इक्विटी शेयर कैपिटल में तो वहां पर रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट थी बट वहां पर और स्टॉक स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट में क्या कर रहे हैं फेस वैल्यू को क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं सोच पा रहे तो वहां पर हम फेस वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में देख लीजिए क्या होगा हम कोई भी आइटम को टच नहीं करेंगे आउटर कॉलम सेम रहेगा सिर्फ इनर कॉलम में क्या होगा नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज एंड फेस वैल्यू पर शेयर विल डिक्रीज ठीक है तो इंपैक्ट क्या होगा ऑन रेशियोज जितनी भी पर शेयर रेशियोज है वो कम हो जाएंगी अदरवाइज देर विल बी नो इंपैक्ट देर इज नो इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स देर इज नो इंपैक्ट ऑन पी रेशियो देर इज नो इंपैक्ट ऑन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स ठीक है तो एक्स डिविडेंट एंड कम डिविडेंट क्या था एक्स का क्या मतलब था दिस इज विदाउट और कम का क्या मतलब था विथ सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई भी डिक्लेयर्ड इनकम है जो मुझे मिलने वाली नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए रेडी नहीं हूं तो वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड प्राइस ठीक है तो अगर वो कम डिविडेंड दे दिया है तो उस केस में मैं उसमें से क्या माइनस कर दूंगा डिविडेंड और अगर ऑलरेडी आपके पास एक्स है तो देख लीजिए एक्स लेंगे कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानेंगे एक्स मानेंगे नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव डिविडेंड मॉडल्स और द थ्योरी डिविडेंड मॉडल्स थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वी हैव रेलिवेंट थ्योरी एंड वी हैव इेलिवेंट थ्योरी एम एम अप्रोच आपके कोर्स में

रेलिवेंट का मतलब क्या है डिविडेंट डू नॉट प्ले एनी रोल तो यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट। और यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था दिस इज होम मेड डिविडेंट ठीक है तो दिस इज योर रेलिवेंट थ्योरी सबसे पहला रेलिवेंट थ्योरी आपके पास क्या है दिस इज योर वॉल्टर्स मॉडल वॉल्टर्स मॉडल क्या कह रहा है दिस इज ए रेलिवेंट थ्योरी डिविडेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस सेकेंड वो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहे हैं दो फैक्टर है जो मार्केट प्राइस को क्या करेंगे इंफ्लुएंस करेंगे पहले कह रहे हैं डिविडें डू नॉट प्ले एनी रोल ओ सॉरी डिविडेंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस अब वो कह रहे हैं कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट प्राइस को क्या करेंगे इन्फ्लुएंस करेंगे पहला फैक्टर आपके पास क्या है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ई और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है व्हाट विल बी योर डिविडेंड पे आउट रेशियो ठीक है आर और के ई में क्या रिलेशनशिप है और आपका कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो वहां पर डिविडेंड पॉलिसी क्या करेगा डिसाइड करेगा वो आपके मार्केट प्राइस को क्या करेगा इन्फ्लुएंस करेगा ठीक है तो देखिए सर सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के आर का मतलब क्या बताया था दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और केई का क्या मतलब था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से क्या मतलब है कि बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट करेगा एंड केई का क्या मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी रिलेशनशिप क्या डिसाइड करेगी पूरी डिविडेंट पॉलिसी ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के और साथ में क्या टच है वट विल बी योर डिविडेंट पे आउट रेशियो ठीक है तो पहला केस आपके पास क्या था इफ आर इज ग्रेटर देन केई अगर आर ज्यादा और केई कम है तो उस केस में मैं पैसा कहां रखना चाहूंगा कंपनी के पास तो वट इज योर ऑप्टिम रिटेंशन रेशियो दिस इज योर हंड्रेड परसेंट वट इज यम पे आउट रेशियो जीरो परसेंट ठीक है दूसरी तरफ इफ आर इज लेस देन केर इज लेस देन के आर कम है के ज्यादा है तो मैं पैसा किसके पास रखना चाहूंगा अपने पास तो वट इज योर ऑप्टिम पे आउट रेशियो ंड्रेड परसेंट एंड वट इज योर ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो जीरो परसेंट और अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करूंगा तो आपका एमपीएस क्या होगा मैक्सिमम बट इन केस ऑफ आर इजक्वल टू के दोनों इक्वल हैं तो उस केस में आप कोई भी पे आउट करो कोई भी रिटेंशन करो एनी पे आउट इज ऑप्टिमम एनी रिटेंशन इज ऑप्टिमम देयर इज नो कोरिलेशन एमपीएस क्या रहेगा सेम रहेगा एमपीएस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो व्हाट इज द रिलेशनशिप नेगेटिव और यहां पर क्या रिलेशनशिप है पॉजिटिव देख लो जितना ज्यादा देख लीजिए आप डिविडेंड दोगे एमपीएस क्या होगा उतना ही कम होगा अगर रिलेशनशिप आर इज ग्रेटर देन के है तो उस केस में कंपनी अगर जितना वहां पर ज्यादा डिविडेंड देगी तो एमपीएस क्या होगा उतना ही कम होगा वेल्थ उतनी क्या होगी कम होगी और यहां पर देख लीजिए अगर यहां पर जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतनी ज्यादा क्या होगी वेल्थ होगी तो यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है और यहां पर क्या है नेगेटिव रिलेशन तो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द डिविडेंट एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर ठीक है अब यहां पर वैल्यूएशन था इस मॉडल से हम वैल्यूएशन कर रहे थे और वैल्यूएशन क्या था प्लस आर अपॉन के ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के ठीक है तो ये आपके पास क्या दिस इज वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन टूडे यूजिंग द वॉल मॉडल अब इस मॉडल की कुछ एजम्स थी क्या एजम्शन थी आपके पास डीपीएस एंड आर

तो तो जितने भी के है, क्या बनेगा? या D1 upon K -G. देख लीजिए ये सब applications थी इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है वो एप्लीकेशन में हम देख लेंगे तो दिस इज डी जीरो माइनस जी और डी वन अपॉन के माइनस जी तो फाइनली मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए डी वन चाहिए ठीक है तो यही यहां पर देख लीजिए सबसे पहले उसकी एजम्पन देख लेते हैं वट आर दस ऑफ द मॉडल तो सबसे पहले देर इज नो एक्सटर्नल फाइनेंस ठीक है कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है के एंड फिर दूसरी वहां पर जो इंपॉर्टेंट मेन थी वो कौन केविडेंट पे आउट रेशियो आर कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट है तो बट इसका मतलब ये नहीं है ईपीएस डीपीएस कॉन्स्टेंट रहेंगे वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहेंगे बिकॉज दे विल ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट बट रेशियो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो याद रखना यहां पर आपके पास डी जीरो नहीं है क्योंकि वो कह रहा है एंड ईपीएसएस आर कॉन्स्टेंट ठीक है तो जी का मतलब उन्होंने बताया जी क्या है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इन टू आर ओई तो हम कह रहे रिटेंशन रेशियो इज कॉन्स्टेंट आर इज कॉन्स्टेंट तो जी भी क्या जाएगा

जी आर द फोर मेन एजम्स उसके अलावा नो एक्सटर्नल फाइनेंस सिंपल है ठीक है एप्लीकेशन एप्लिकेशन एप्लीकेशन में क्या था सिंपल कि मुझे फाइनली यहां पर क्या चाहिए सर डी चाहिए बस यही एप्लीकेशन थी सर न्यूमिरेटर में मुझे क्या चाहिए सर डी चाहिए अब वो जैसे मर्जी आए सर ठीक है अब उसके लिए उन्होंने कहा अगर ईपीएस दे रखा है तो ईपीएस से हम क्या निकालेंगे डीपीएस तो ईपीएस इन टू डिविडेंड पे आउट रेशियो तो क्या जाएगा DPS 1 रिटेंशन रेशियो तो के तब भी क्या आ जाएगा EPS 1 रिटेंशन रेशियो तो क्या जाएगा DPS बस अब ध्यान रखना कि अगर EPS 0 है तो उससे क्या निकलेगा DPS 0 और अगर EPS 1 है तो उससे क्या निकलेगा DPS 1 ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो अगर वहां पर आपके पास EPS 0 से DPS 0 आया तो उसमें क्या लगा देंगे ग्रोथ तो क्या जाएगा DPS 1 और अगर EPS 1 है तो उससे ऑलरेडी क्या आएगा DPS 1 ठीक है साथ में आपके पास नोट नंबर टू अगर ईपीएस लिखा हुआ है और ये नहीं पता चल रहा कि वो वहां पर वो ईपीएस जीरो है या ईपीएस वन है तो ऑलवेज एज्यूम टू बी ईपीएस वन ठीक है नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर ईपीएस और डीपीएस दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा डिटेंशन क्या होगा जीरो ग्रोथ क्या होगा जीरो तो मॉडल क्या बन जाएगा समझ पा रहे दिस इज इक्वल कैश फ्लो अप टू परफेक्चुटी तो क्या बन जाएगा कैश फ्लो अब कैश फ्लो क्या है ईपीएस और डीपीएस डिवाइड बाय देख लीजिए दिस इज के तो cash flow divide by discount rate. तो कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट ठीक है है याद ना तो रिटेंशन रेशियो जीरो है तो growth भी zero जाएगी. तो ग्रोथ भी जीरो जाएगी मॉडल में लगा लो डी जीरो वन माइनस जी अपॉन के माइनस जी डी जीरो वन प्लस जी अपॉन के माइनस जी तो वहां पर देख लो अगर ये ग्रोथ जीरो हो गई तो मॉडल क्या बन गया डी जीरो अपॉन के ठीक है अब देखो यहां पर एक एप्लीकेशन थी दिस इज वन ईयर डीडीएम क्या नाम था उसका वन ईयर डीडीएम वन ईयर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वो कह रहे थे सिर्फ आपका टाइम पीरियड कितना है एक साल है तो वहां पर अगर मेरे पास देख लीजिए प्राइस एट द एंड साथ में डिविडेंड एट द एंड है तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा पी जीरो क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब यही है फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और यहां पर सिर्फ टाइम पीरियड कितना है एक साल है तो फ्यूचर कैश फ्लो यहां पर क्या है आपके पास दिस इज प्राइस एट द एंड प्लस डिविडेंड एट द एंड और उसकी क्या कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा पी जीरो एप्लीकेशन क्या है अगर आपके पास पी जीरो है तो पी वन निकाल लेंगे पी वन है तो क्या निकाल लेंगे पी जीरो में हम चेन भी वहां पर बना सकते हैं चेन कैसे बना सकते हैं पी जीरो से पी वन पी वन से पी टू पी टू से पी थ्री बस ध्यान क्या रखना है टाइम पीरियड सिर्फ कितना है वन ईयर है ठीक साथ में आपके पास एक और एप्लीकेशन थी अगर किसी केस में के वहां पर देख लीजिए हमारे पास नहीं है और वहां पर वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से तो इन लास्ट हम क्या यूज कर सकते हैं इक्वल टू बाय पी रेशियो ठीक है ratio, तो अगर मेरे पास पी रेशियो गिवन है तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं के इज वन रेशियो ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन के इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी और अगर वो वहां पर देख लीजिए के इज लेस देन जी है तो पी विल बी नेगेटिव इट कांट बी पॉसिबल दूसरी तरफ आपके पास कंफ्यूजन रिगार्डिंग डी वन एंड डी जीरो मॉडल एक और एप्लीकेशन थी डी जीरो तो क्या निकल के आ रहे हैं डी वन बट कभी भी डी वन से डी जीरो नहीं करेंगे सब क्योंकि ग्रोथ हमेशा क्या चलेगी फॉरवर्ड ग्रोथ कभी बैकवर्ड नहीं चलेगी ये सेम चार्ट है आर इज ग्रेटर देन के आर इज लेस देन के आर इज इक्वल टू के जो हमने वॉल्टर्स में पढ़ा है वही किस में है गॉर्डन्स में ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट क्या था जी इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इन टू आरो दूसरा मेथड क्या था दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी ए जी आर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी ए जी आर भूलना मत पोर्टफोलियो में भी काम आएगा समझ पा रहे हैं तो वो पूरा लिंक्ड है यहां पर हर चीज का तो वट इज सी ए जी आर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगेन वही मॉडल यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेज टू दी पावर एन तो अब मुझे वहां पर देख लीजिए फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है तो मुझे क्या निकालना है आर निकालना है तो वो टेक्निकली यहां पर क्या है ग्रोथ रेट है बस वो ध्यान रखना ग्रोथ कब से स्टार्ट होगी एक साल बाद से तो वहां पर एन क्या हो जाएगा एन माइनस वन ठीक है इस एप्लीकेशन को हमने यूज किया था मर्जर एक्शन के क्वेश्चन में भी सेम एप्लीकेशन को यूज करेंगे पोर्टफोलियो के क्वेश्चन में भी तो इसलिए भूलना मत ये एप्लीकेशन आपको काम आती रहेगी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एर अगर पांच छह सालों का कोई भी डेटा दे रखा वो कह रहे हैं इसके अंदर ग्रोथ निकालो तो उस केस में हम क्या करेंगे वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एर ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट अब फ्लोटिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट किसके पॉइंट ऑफ यू से होगी दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी तो मैंने तीन वर्ड डिस्कस किए थे एक था फेस वैल्यू एक था इश्यू प्राइस और एक था नेट प्रोसीड ठीक है तो ध्यान रखना फेस वैल्यू क्या है दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ शेयर व्हाट इज प्राइस किस प्राइस पे शेयर क्या हुआ है हुआ है तो दिस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट एंड व्हाट इज योर नेट प्रोसीड दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ओनली समझ पा रहे नेट का जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कंपनी इश्यू प्राइस का कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर ठीक है तो अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे नेट प्रोसीड तो इन गॉर्ड मॉडल सिर्फ क्या चेंज होगा प्राइस की जगह क्या आ जाएगा नेट प्रोसीड तो दिस इज पी जीरो वन माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट अमाउंट में तो अमाउंट माइनस कर देंगे परसेंटेज है तो परसेंटेज तो वो ध्यान रखना दो से तीन बार टेस्ट हो चुका है एग्जाम में दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट अगर फ्लोटिंग कॉस्ट दे रखी है तो प्राइस की जगह क्या यूज होगा नेट प्रोसीड्स बस यही याद रखना है ठीक है ज पी जीरो तो वन माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट दिस इज योर नेट प्रोसीड इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी ठीक है नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट वन दिस इज रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन इक्विटी इक्विटी आपके पास क्या था return on equity. तो हम वहां पर इक्विटी शोल्डर्स की देखना चाहते हैं कितनी रिटर्न जनरेट हुई और उनके लिए कितने प्रॉफिट अवेलेबल हैं दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स और किस पे हम उनकी रिटर्न निकालेंगे जितना पैसा उन्होंने इन्फ्यूज किया है दिस इज योर इक्विटी शोल्डर्स फंड ठीक है तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी साथ में आपके पास कॉन्सेप्ट था बुक वैल्यू पर शेयर व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर हम इक्विटी शोल्डर्स की बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दिस इज इक्विटी शोल्डर्स फंड दिस इज द बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब बस हमें समझना है हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी शोल्डर्स फंड इक्विटी शोल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट करोगे सर तो वहां पर आपके पास दो अप्रोच थी एक क्या था आपके पास दिस इज इक्विटी शोल्डर्स फंड अप्रोच और दूसरा क्या था आपके पास नेट असेट वैल्यू अप्रोच ठीक है तो सिंपल आपको फॉलो करना था दिस इज योर इक्विटी शोल्डर्स फंड अप्रोच एंड दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू अप्रोच तो इक्विटी शोल्डर्स फंड अप्रोच क्या था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंस प्लस माइनस प्रीमिलरी एक्सपेंसिस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पेंडल डेबिट बैलेंस और नेट एसेट वैल्यू अप्रोच क्या था टोटल एसेट्स और उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे प्रीमिलरी एक्सपेंसिस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पेंडल डेबिट बैलेंस माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइविटी क्या होगी एक्सटर्नल लाइविटी सब कुछ किसको छोड़ के

तो मैं एमपीएस को डिवाइड कर रहा हूं बिटवीन ईपीएस एंड पी रेशियो एंड फर्दर ईपीएस को डिवाइड कर रहा हूं बिटवीन बुक वैल्यू पर शेयर एंड ठीक है तो वहां पर देख लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में ईपीएस नहीं है तो मॉडल में डीपीएस नहीं आ सकता और डीपीएस नहीं आए तो गॉर्डेंस मॉडल नहीं लग पाएगा तो उसके लिए एप्लीकेशन थी इफ यू हैव बुक वैल्यू पर शेयर और मेरे पास आर गिवन है तो मैं क्या निकालूंगा ईपीएस तो व्हाट इज योर ईपीएस दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर इनटू

तो ये अगर टेन परसेंट है तो ये कितना है टेन परसेंट है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो विल नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर वो हमने कंडीशन में ही पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन आर एन के अगर आर और के दोनों इक्वल होंगे तो अब कोई भी पे आउट हो कोई भी रिटेंशन हो एमपीएस विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो वो यही जानना चाहते हैं पी रेशियो एट डिविडेंड डिविडेंट पे आउट रेशियो विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द शेयर तो पहले हम देख लेंगे कंडीशन क्या है आर इक्वल टू के अगर ये टेन परसेंट है तो ये भी कितना होगा टेन परसेंट एंड वी नो दैट के इज इक्वल टू वन बाय पी रेशो तो उससे हम पी रेशो निकाल देंगे और तो पी रेशो कितनी आएगी टेन टाइम्स तो अगर पी रेशो टेन टाइम्स है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का कोई इंपैक्ट नहीं होगा कुछ भी हो जाए पे आउट रेशियो मार्केट प्राइस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट ठीक है नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड तो वो तो हमें बहुत आसान है सर आता ही है मेरी वैल्यूएशन क्या है दिस इज योर पी जीरो और अपनी वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करोगे

तो दिस इज करेक्टली वैल्यू डिसीजन क्या होगा बाय ऑब्लिक सेल अब वो ध्यान रखना है सर इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक एंड द डिसीजन इज सेल तो हम क्या कर देंगे सेल बट अगर इफ यू आर नॉट होल्डिंग द स्टॉक एंड द डिसीजन इज सेल तो हम क्या बोलेंगे नॉट टू इन्वेस्ट ठीक है और अगर, अगर वहां पर बाई डिसीजन आ रहा है एंड यू आर होल्डिंग द स्टॉक तो क्या लिख के आएंगे होल्ड ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज एचपीआर एचपीआर क्या था होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने टाइम हम एसेट को क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं उसकी क्या निकाल रहे हैं रिटर्न आज भी अभी भी काम आएगा सर अभी हम सीखेंगे वहां पर देख लीजिए दिस इज योर इक्विटी स्वैप तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एचपीआर हर चैप्टर में आ रहा है साथ में आपके पास अभी पोर्टफोलियो में भी आएगा अभी आपके पास बॉन्ड वैल्यूएशन में भी आएगा तो किसी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जहां पर एचपीआर की जरूरत नहीं है ठीक है तो देख लीजिए दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न जितने टाइम एसेट को होल्ड किया है उसकी क्या निकालनी है रिटर्न निकालनी है तो दिस इज योर पी जीरो दिस इज योर पी वन प्लस डी वन तो देख लीजिए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल गेन भी आ जाएगा साथ में आपके पास डिविडेंड इनकम भी आ जाएगा डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड तो दिस इज पी वन माइनस पी जीरो प्लस डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो दिस इज योर एच पी आर और ये आपका होल्डिंग पीरियड है याद रखना दिस इज योर होल्डिंग होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है टेन मंथस

इन्फानेट तो मॉडल क्या लगा रहे थे पी जीरोक्ल टू डी जीरो था ना सर तो हम कैलकुलेशन कब कर रहे थे एट द ऑफ फर्स्ट ईयर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था हम कैलकुलेशन कब कर रहे थे बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ठीक है मैं यहीं से तो कह रहा था ग्रोथ क्या रहेगी कांस्टेंट और कब तक आती रहेगी इन्फानेट अब वहां पर मल्टी स्टेज मॉडल है मल्टी स्टेज में वो क्या कर रहा है ग्रोथ को क्या कर रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है तो अगर जी कांस्टेंट नहीं है जी क्या है वेरिएबल है या दूसरी कंडीशन केस ग्रेटर देन जी था ना तो अगर केस लेस देन जी है तो उस केस में कौन सा यूज होगा मल्टी स्टेज मॉडल ठीक है तो वहां पर कंडीशन क्या है वो कह रहेगा ग्रोथ क्या थी फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ क्या थी फ्लक्चुएटिंग तो उस केस में वहां पर कैसे मॉडल अप्लाई होगा तो वो एक छोटा सा पॉइंट था यहां पर एक बार समझ लो सर तो गॉर्डन मॉडल क्या कह रहा था पी जीरो इज जी अपॉन के जी जी, कॉन्स्टेंट और वो कब तक आती रहेगी अब वहां पर वो वो ऐसे नहीं कह रहा है। वो कह रहा रहा है पहले तीन साल तक ग्रोथ क्या रहेगी फ्लक्चुएटिंग पहले साल में ट्वेंटी परसेंट फिर, फिर कितना है 5%, कब तक आती तो उस केस में मुझे क्या निकालना है प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टूडे तो मैं क्या करूंगा फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू तो दिस इज डी वन दिस इज डी टू दिस इज डी थ्री प्लस अब देख लो जो मॉडल मैं यहां लगा रहा था मैं यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहा था पी जीरो ग्रोथ यहीं से कॉन्स्टेंट थी ना अब ग्रोथ कहां से कॉन्स्टेंट है यहां से कॉन्स्टेंट है तो जो मॉडल यहां लग रहा था वो मॉडल कहां लग जाएगा यहीं पे लग जाएगा यहां पर मैं P0 निकाल रहा था बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकाल रहा था तो यहां पर मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर एंड बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो यहां पर क्या निकलेगा P3 और इन सब की क्या कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ठीक है हाउ टू कैलकुलेट पी थ्री अगेन गॉर्डन्स मॉडल क्या होगा पी थ्री आपके पास दिस इज लास्ट पेड डिविडेंड लास्ट पेड डिविडेंड इज डी थ्री वन प्लस जी अपन के माइनस जी समझ पा रहे हैं तो दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था यही सर ठीक है एट मार्क्स एट मार्क्स का क्वेश्चन ठीक है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन आठ नंबर का क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में उसी तरह का क्वेश्चन न्यू कोर्स में दोनों में क्वेश्चन तो देख लीजिए सर आपके पास दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल अब इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट हमने देखी थी उन्होंने यहां पर चेंज इन इंफॉर्मेशन कर दी थी तो फिर डी थ्री यूज नहीं होगा हम उसको दोबारा से क्या करेंगे री करेंगे उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या कर दी थी चेंज कि अगर आपका ग्रोथ कम होगी तो पेआउट रेशियो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो हमने इस पूरे पार्ट को क्या करा था री कैलकुलेट री इंस्टेट किया था तो इस तरह की एडजस्टमेंट वो पक्का वहां पर पूछेंगे आपसे ठीक है तो ये आपके पास देख लीजिए दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके इस चैप्टर में और कंफर्म वो पूछेंगे पूछेंगे

Value. याद रखना सिर्फ कितना है एक साल तो पावर कितनी आएगी वन फिर आपके पास पी वन आ गया तो पी वन से पी टू पी टू से पी थ्री पी थ्री से पी फोर तो वहां पर हम पूरी क्या बना देंगे चेन बना देंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन वी द इक्विटी डिविडेंट कवरेज रेशियो तो ये हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हम वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और साथ में इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मुला नहीं था सिंपली वी हैव टू लिंक विद द इनकम स्टेटमेंट तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इबिट माइनस दिस इज डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो आपके पास क्या था इबिट माइनस इंटरेस्ट ज अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स दिस इज योर पैट अब इसमें से क्या माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंट डिवाइड बाय अर्निंग दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी माइनस इक्विटी डिविडेंट तो आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज रिटेन अर्निंग्स अब मुझे क्या निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवरेज निकालनी है सर तो कवरेज कैसे निकाल पाओगे देख लीजिए मैं देखना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट क्या हो रहा है कवर हो रहा है तो दिस इज इबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट ठीक है मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना चाहूंगा तो उनके लिए प्रॉफिट कौन सा अवेलेबल है पैट हैचर होल्डर्स जो आपके थे या लॉन्ग टर्म लोन्स थे आपके लिए उनके लिए कौन सा प्रॉफिट था इबिट तो देख लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट है पैट तो क्या होगा दिस इज पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द लास्ट वन इज इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो उनके लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है अर्निंग्स फॉर इक्विटी दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी डिविडेंड देखना सर यही तो है रेशियोज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो दिस इज योर कवरेज रेशियो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है नेक्स्ट वन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था दिस इज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ अब वो कह रहे किस है? है तो में मॉडल में क्या होगा हो जी नेगेटिव तो हो जाएगा तो जी कैसे देख लीजिए यहाँ पर हम जी को क्या लिख लेंगे नेगेटिव सेम मॉडल में जी को नेगेटिव लिख लेंगे तो क्या जाएगा डी जीरो प्लस जी और वो मैंने पूरा डिराइव करके आपको दिखाया था तो आपके पास क्या आएगा डी जीरो प्लस जी ठीक है तो यहां पर तीन केसेस थे जो हमने कवर किए थे एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस एंड डीपीएस ये किसका रिलेशनशिप था ईपीएस एंड डीपीएस तो देख लीजिए जी क्या था दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इन टू आर ओ अगर ईपीएस कम है DPS तो इसका मतलब रिटेंशन इज पॉजिटिव और रिटेंशन पॉजिटिव है तो ग्रोथ क्या जाएगी पॉजिटिव और ग्रोथ पॉजिटिव है तो मॉडल कौन सा लगेगा पी जीरोक्वल टू डी अपॉन K minus G. दूसरा केस आपके पास क्या था अगर ईपीएस और डीपीएस दोनों इक्वल हैं तो रिटेंशन इज जीरो मॉडल क्या होगा डीपीएस डी है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि रिटेंशन क्या है, negative. Retention negative है तो ग्रोथ क्या आ जाएगी नेगेटिव तो मॉडल कौन सा लगेगा पी जीरो डी जीरो वन माइनस जी अपॉन के प्लस जी सोच पा रहे हैं सर देख लीजिए दिस इज योर गॉर्डंस मॉडल अगेन दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल ठीक है अब यहां पर देख लीजिए पूरा चैप्टर में पहले आपके पास डिविडेंट बेस्ट मॉडल और द अर्निंग बेस्ड मॉडल थे अब आपके पास कौन से थे दिस इज योर कैश फ्लो बेस्ड मॉडल एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का फुल प्रोबरिटी है हंड्रेड परसेंट बधारो में यहां से क्वेश्चन आएगा सर ठीक है न्यू कोर्स में लिख के रख लो सर क्योंकि अब सिक्योरिटी वैल्युएशन उनके लिए खत्म हो चुका है ठीक है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ही पार्ट है बट आएगा कहाँ से Cash flow based model से, तो यहां से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना कैश फ्लो बेस्ड मॉडल हमने यहां पर कहा है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नेक्स्ट आपके पास क्या है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स और कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स में क्या है फर्म एंड द फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म का क्या मतलब है विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन किसी को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का क्या मतलब है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिर्फ किसको छोड़ के इक्विटी को छोड़ के तो दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर एंड एफसी क्या था फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म लोन एक्सेप्ट इक्विटी ठीक है तो यहां पर डिस्काउंटेड क्या यूज होगा के ओ और यहां पर डिस्काउंटेड क्या यूज होगा के यहां से क्या निकलेगा वैल्यू ऑफ फर्म और यहां से क्या निकलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी और अगर मुझे यहां वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेफ तो क्या निकल के आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ एफ अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया एफ सी का कॉन्सेप्ट क्या है विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दिस इज योर एनपीवी कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट था एनपीवी एनपीवी क्या है कि वहां पर दिस इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो वो कह रहे हैं कि कंपनी भी हर साल इनफ्लो जनरेट कर रही है और वहां पर क्या हो रहे हैं आउटफ्लो और आउटफ्लो क्या हो रहे हैं दिस इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग

डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या निकल के आ जाए नो पैट दिस इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब देख लो डेप्रिसिएशन लेस किया तो दिस इज नॉन कैश आइटम तो वापस क्या करेंगे एड बैक और अब दो चीजें माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल दिस इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिस इज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लो फॉर द फॉर्म ठीक है साथ में आपके पास एफ सी एफ ई तो यहां पर हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी अगर आपको याद हो तो यहां पर हमने क्या बनाया था फिक्स एसेट अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट क्या था सर दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस दिस इज योर डेप्रिसिएशन दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस और यहां पर क्या जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर यही था दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर तो इसको क्या बोला था हमने दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीशिएशन तो आपके पास क्या जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स तो मैं नोपैट में से क्या माइनस कर दूंगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा एफ सी एफ एफ तो नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट माइनस हो रहा है ना तो अब देखो वहां पर हाउ टू तो कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा प्लस और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल तो क्या होगा एफ सी एफ एफ ठीक है तो एक एडजस्टमेंट आपके पास ये होगी दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल में याद रखना हम हमेशा क्या लेंगे नॉन कैश सोरे नॉन कैश करंट एसेट्स माइनस नॉन कैश

नहीं होंगे ठीक है दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल ठीक है साथ में एक पॉइंट और था कि व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का क्या किया ठीक है इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा बट टैक्स सेविंग तो आनी चाहिए और वो कहां ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है वेल कैलकुलेटिंग द के ओ के ओ कैसे निकाल रहे हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेफ्ट वेट ऑफ डेफ्ट तो जब हम के डी निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स तो ऑलरेडी इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग कहां पर इनकॉर्पोरेट है के ओ के अंदर ठीक है तो ये आपका देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन था नाउ द नेक्स्ट कैलकुल में वहां पर दो कॉन्सेप्ट था अगर मुझे पता है, और दूसरा क्या था, मुझे नहीं पता है। अगर मुझे पता है, तो इसका मुझे परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है और परसेंटेज ऑफ डेफ्ट कितना है तो वट इज अवर एफसी प्लीज फोकस करें इबिट माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इबिट माइनस इंटरेस्ट तो आपके पास क्या आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स तो क्या निकल के आएगा पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब वही करनी है एडजस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल अब देखो ना सर नो no किसके लिए था दिस इज फॉर ऑल और यहां से क्या माइनस कर रहे थे नेट इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आ रहा था एफ सी एफ एफ तो नो पैट इज अवेलेबल फॉर ऑल और नेट इन्वेस्टमेंट भी किसकी थी सबकी थी ठीक है अब यहां पर आपके पास पैट है एंड दिस इज पैट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी पैट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी अगर प्रेफरेंस नहीं है तो पैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी तो यहां से क्या माइनस करोगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आएगा एफ सी एफ ई तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी का कितना पोर्शन है और मुझे क्या पता है डेफ फाइनेंसिंग रेशियो पता है तो मैं क्या कर दूंगा परसेंटेज ऑफ इक्विटी तो प्लस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो माइनस देख लीजिए वहां पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे परसेंटेज ऑफ इक्विटी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ इक्विटी तो क्या निकल के आएगा एफ सी एफ ठीक है अब लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर मुझे डेट फाइनेंसिंग रेशियो नहीं पता है तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला पोर्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट किसकी है सबकी है इसमें से क्या कर देंगे माइनस नेट बोरिंग्स तो क्या निकल के आ जाएगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब जब मैं इसको वहां पर स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा तो पैट में से देख लीजिए वहां पर क्या माइनस करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट और प्लस क्या करेंगे नेट बोरिंग्स तो क्या निकल के आ जाएगा एफसी फ सोना so, प्लस क्यों हो रहा है नेट बोरिंग्स बिकॉज वहां पर जब स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं तो क्या होगा साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ठीक है हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स वो कैसे निकालते हो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन तो जब स्टेटमेंट में जाएगा तो क्या होगा प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड प्लस नेट बोरिंग्स तो क्या निकल के आ जाएगा एफ सी एफ ई ठीक है तो देख लो सर एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं ये तो दिस इज योर एफ सी एफ फाइनेंसिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो दिस इज इबिट द माइनस लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स तो क्या निकल के आएगा पैट अब देख लो वहां पर क्या एड करेंगे डेप्रिशिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर और एड क्या करोगे नेट बॉडिंग तो इन तीनों को क्या बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट और इसको क्या बोल रहे हैं देख लीजिए नेट बोरिंग्स हाउ टू कैलकुलेट नेट बोरिंग्स इशू माइनस रिडम्शन ठीक है याद रखना इशू माइनस रिडम्शन तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा एफ सी एफ ई तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट साथ में यहां पर हमने एक एफ सी एफ ई कैलकुलेशन एफ सी एफ एफ कैलकुलेशन सीखा था दिस इज फ्रॉम सी एफ ओ कहा से सी एफ ओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था <coughs> तो कहां से स्टार्ट किया था दिस इज फ्रॉम नेट इनकम नेट इनकम क्या है पैट ठीक है तो पैट वहां पर था देख लीजिए आपके पास तो पैट में क्या करेंगे एड करेंगे डेप्रिशिएशन एमोटाइजेशन और क्या माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल तो क्या निकल के आएगा सीएफओ यही था ना सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो दिस इज नेट इनकम दिस इज योर पैट एड बैक करेंगे डेप्रिशिएशन माइनस क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आपके पास क्या आ आएगा सीएफओ अब मुझे देखना है कि वहां पर मुझे सीएफओ से कहां पहुंचना है FCFF, और FCFF के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा ना उसकी क्या होगी टैक्स सेविंग तो वापस एडजस्टमेंट तो क्या क्या नहीं होती है इंटरेस्ट और टैक्स की बट एफ सी एफ में होती है तो मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स साथ में कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है नेट बोरिंग्स की तो ऐड क्या कर देंगे नेट तो क्या निकल के आ जाएगा एफ सी एफ और एफ सी एफ ई में से आप क्या देंगे इक्विटी डिविडेंड तो एफ सी एफ दिस इज कैश फ्लोज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शोल्डर तो उसमें से क्या माइनस करोगे इक्विटी डिविडेंड और साथ में वहां पर देख लीजिए एड और लेस क्या करेंगे इशू और रिपर्चेज ठीक है तो नई इक्विटी इश्यू किया तो एड करेंगे और अगर रिपर्चेज करी है तो क्या करेंगे लेस तो फाइनली आपके पास क्या जाएगा दिस इज चेंज इन कैश बैलेंस एंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यही जानना चाहते हैं वॉट इज योर चेंज इन कैश बैलेंस ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया देख लीजिए दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ एंड एफ सी एफ एफ फ्रॉम सी एफ ओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है तो ये सब वहां पर मैंने आपको कर, सिखाया था दिस इज योर पजल कि वहां पर वो पजल क्या थी कि आपको कोई भी वर्ड दे सकता है आप कहेंगे ये निकाल दो ठीक है तो दे आर गिविंग यू द कि आपको वहां पर एफ सी एफ एफ निकालना है दिस इज फ्रॉम नेट इनकम कहां से नेट इनकम और नेट इनकम में किसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है इंटरेस्ट और टैक्स की तो वापस क्या कर देंगे देख लीजिए कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स वापस क्या करेंगे माइनस माइनस कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन वर्किंग अगर उन्होंने दे दिया आपको और आपसे क्या पूछ रहे हैं एफ सी एफ एफ तो इबिट नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा नो no पैट देख लो अब फिर वापस वही प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो वो पजल खेलनी आनी चाहिए सर आपको ठीक है साथ में आपके पास इबिड्डा दे दिया तो इबिड्डा दे दिया तो देख लीजिए इबिड्डा में से क्या माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो क्या आता है आपके पास दिस इज इबिट और माइनस टैक्स करेंगे तो क्या जाएगा नोपेट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो क्या निकल के आ जाएगा एफसी एफ एफ तो एक बार स्टेटमेंट सीख लिया ना तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है एफसीएफई अगर मुझे एफसीएफई दे दिया सर एफसीएफई में किसके एडजस्टमेंट हो चुकी है इंटरेस्ट और टैक्स की तो वापस क्या देख लो वहां पर एडबैक कर देंगे साथ में वहां पर देख लीजिए किसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है नेट 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 तो क्या कर देंगे कैसे इशू माइनस रिडम्शन तो देख लो वहां पर रिडम्शन क्या करेंगे प्लस जब स्टेटमेंट में आएगा और माइनस क्या करेंगे न्यू डेप्टूड ठीक है साथ में अगर प्रेफर्ड डिविडेंड है तो वो भी क्या कर देंगे एड कर देंगे ठीक है बेस्ड ऑन सी एफ ओ वो भी मैं सिखा चुका हूं सी एफ ओ अगर है तो वहां पर किसके एडजस्टमेंट हो चुके हैं इंटरेस्ट और टैक्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है तो वापस कर Interest, tax, क्या कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और माइनस क्या कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एफ सी एफ एंड एफ सी एफ एफ ऑन द सेम ग्राउंड वी हैव एफ सी एफ ई अगर मुझे एफ सी एफ एफ दे दिया मुझे एफ सी एफ ई चाहिए तो एफ सी एफ एफ में किसके एडजस्टमेंट नहीं हुई है इंटरेस्ट और टैक्स की कर देंगे सर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और किसके एडजस्टमेंट नहीं हुई है नेट वॉरिंग्स तो ऐड क्या करेंगे ट तो ये एक फंडा है सर जो पता होना चाहिए एड क्यों हो रहा है नेट वॉरिंग ठीक है पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है इसमें क्यों हो रहा है और वो आपको मुझे लगता है अब क्लियर है सर ठीक है तो देखिए सर एफ सी एफ ई फ्रॉम नेट इनकम नेट इनकम मतलब वहां पर इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो चुका है टैक्स भी एडजस्ट हो चुका है और एफ सी एफ ई के लिए करना ही है ठीक है तो सिर्फ किसको करना है देख लीजिए नेट इनकम आ गया तो माइनस प्लस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश चार्जेस माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स और प्लस क्या करेंगे नेट वॉरिंग किसके एडजस्टमेंट हो चुके हैं इंटरेस्ट और टैक्स की और वो करनी भी एफ सी एफ ई के लिए तो सिर्फ क्या रह गया देख लीजिए माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नेट तो क्या निकल के आ जाएगा एफ सी एफ ई तो जिससे वो वहां पर क्लियर है वो ही ये पजल खिल सकता है अदरवाइज पजल खेलना इतना आसान नहीं है सर अब देखो हाफ मॉडल में क्या था आपके पास कि वहां पर आपके पास <coughs> ज मॉडल यह क्या था आपके पास टू स्टेज मॉडल पहले ग्रोथ था टेन परसेंट और फिर कितना हो गया फाइव परसेंट अप टू इंफिनेटी अब हाफ मॉडल में क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं समझ पा रहे हैं तो वहां पर हम एक तो वैल्युएशन ये भी पूरे पार्ट की कर रहे हैं और एक हम किसकी पार्टी की कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर वो स्लोली स्लोली गिरेगा ना पांच परसेंट ऐसा तो नहीं है दस परसेंट से सीधा एक साथ झटके से कितना जाएगा पांच परसेंट आ जाएगा तो वहां पर दिस इज द केस ऑफ हाफ मॉडल उसको क्या बोल रहे हैं हाफ मॉडल तो एक वैल्यूएशन ये वाली करेंगे और एक वैल्यूएशन किसकी करेंगे ये वाली करेंगे ठीक है दिस इज हाफ मॉडल तो दिस इज डी जीरो वन प्लस जी अपॉन के माइनस जी एंड दिस इज लॉन्ग रन जो लॉन्ग रन आपका ग्रोथ रेट है कितना है फाइव परसेंट है ठीक है प्लस अब ये वाले पार्ट की करेंगे डी जीरो ग्रोथ कितने से आ गई है सर टेन से कितना आ गई है फाइव परसेंट तो दिस इज ग्रोथ लॉन्ग शॉर्ट टर्म माइनस ग्रोथ लॉन्ग टर्म और उसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे समझ पा रहे हैं उसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे दिस इज योर हाफ मॉडल और बेस में वही आएगा के माइनस जी ठीक है तो जो भी टाइम पीरियड है कितना टाइम पीरियड है मान लो दस साल में ऐसा हो रहा है या पांच साल में ऐसा हो रहा है तो कितना हो जाएगा दिस इज फाइव डिवाइड बाय ठीक है तो टी डिवाइड बाई टू हाफ का क्या मतलब था टी डिवाइड बाय टू तो ये दस परसेंट से पांच परसेंट कितने टाइम में आया पांच साल में तो हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे तो दिस इज फाइव डिवाइड बाय टू ठीक है दिस इज योर हाफ मॉडल ठीक है तो ये आपके बाद देख लीजिए दिस इज योर फुल फ्लैश चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन उसका पूरा रिवीजन हमने कर लिया है